वेलकम नीतू किशन कॉर्नर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हमने बनाया है भगवान कृष्ण का खास पंचामृत, वो उसी से हम भगवान को स्नान करवाते हैं। पंचामृत क्या आप जानते हैं, पंचामृत किसे कहते हैं? हमारे शास्त्रों में पंचामृत पांच पदार्थों से मिलकर, तत्वों से मिलकर बनाया जाता है। तो इसके लिए हम ये जो यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें हमने स्टील के बर्तन में रख लिया। आपके पास तांबा हो तो आप तांबा ले सकते हैं, हमारे पास स्टील उपलब्ध था तो हमने स्टील लिया। सबसे पहले कच्चा दूध और तुलसी और खांड भी ले सकते हैं आप, खांड ना हो तो वो भी चलेगा। दही लेना है और कुछ मेवे लेने और शहद अवश्य लेना है। शहद और तुलसी इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से मिलकर ये हमारा पंचामृत बन के तैयार होता है। इसी से भगवान को स्नान कराया जाता है, फिर भगवान को स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में इसका बहुत ही महत्व है। तो सबसे पहले हमने स्टील का बर्तन रख दिया, मेरे पास जो उपलब्ध था वो मैंने उपयोग किया है। तो मैंने बर्तन को रख दिया, यहाँ पर हम कच्चा दूध का यूज़ करेंगे, तो पका दूध नहीं करना। गाय का दूध हो तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन मेरे पास गाय का दूध नहीं उपलब्ध था, मेरे पास भैंस का दूध था, वो जो मार्केट से आता है। और उसमें हम मिलाएंगे ये दही, दही आधा कटोरी से थोड़ा सा कम है। और ये जो पंचामृत है बच्चों को बेहद पसंद आता था, तो बच्चों के लिए मैं अवश्य बनाती हूँ। तो उसमें डालेंगे हम खांड, मीठा डालें तो चलेगा और शहद अवश्य डालें। तो ये डाबर हनी का शहद है क्योंकि यहाँ सिटी में तो ऐसे मिलता नहीं है शहद, तो हम डाबर हनी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। कुछ मेवे हम कटे हुए इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम बना के इसको तैयार करेंगे। इसके बाद में हमारा जो बहुत ही बेहद ख़ास है वो है तुलसी का पत्र। ये हमारे गार्डन से टूटा हुआ तुलसी का फ्रेश पत्र है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसके बिना पंचामृत नहीं बनता है, इसको अवश्य डालें। अगर आपके पास गंगा जल है तो वो भी थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। इन सब पांच तत्वों को मिक्स करके आप इस तरह से भगवान के लिए उनको स्नान कराने के लिए उपयोग करें। और इस तरह से घर में आप बनाएं और भगवान का स्नान कराएं, फिर उनको स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, बेहद ख़ास होता है। और ये मेरे बच्चों को इतना पसंद आता है ना, तो मैं अक्सर बच्चों के लिए बहुत बनाती हूँ क्योंकि अक्सर भगवान क्या खाते हैं उसको, भगवान को थोड़ा सा स्नान करवा के बच्चों को दें तो वो जल्दी लगता है, भगवान भी उस प्रसाद को जल्दी ग्रहण करते हैं अगर हम बच्चों को अगर बांट दें। तो हमारे यहाँ बेटियाँ हैं तो मेरी बेटियों को मैं बांट देती हूँ, मेरी बेटियाँ भी खुश हो जाती हैं। आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को मेरा कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, तो घंटी वाला बेल आइकन तो उसको प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और जन्माष्टमी का हर्षोल्लास के साथ आप पर्व मनाइए। मैंने बना लिया है ये इस तरह से अपना पंचामृत, अब हम भगवान को स्नान करवाएंगे और इसके बाद में हम उस सब तैयार करेंगे। तो हम ये बन के तैयार हो गया है। आप लोगों के यहाँ कैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। और ये देखिए हमारे भगवान को हम स्नान करवा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भगवान के लिए थोड़ा सा नमन जरूर करना। नमस्कार, जन्माष्टमी।